हेलो दोस्तों, उम्मीद है सब बहुत बहुत बढ़िया होंगे। आज हम अफ्रीका महाद्वीप के एक देश साउथ अफ्रीका के बारे में जानेंगे। साउथ अफ्रीका का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। ये अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे दक्षिणी देश है। देश की उत्तर में नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे है। पूर्व और उत्तर पूर्व में मोजाम्बिक और स्वाजीलैंड है। दक्षिण में अटलांटिक और हिंद महासागर से घिरा है ये देश। जिस देश की कभी जातिगत भेदभाव के लिए दुनिया भर में निंदा की जाती थी, वो देश अब अफ्रीका के सबसे अमीर देशों में से एक है। यूनाइटेड नेशंस के वर्गीकरण के अनुसार साउथ अफ्रीका एक मध्यम आय वाला देश है। यहाँ बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं। इसी तरह यह कानून, संचार, ईंधन और परिवहन व्यवस्था काफ़ी विकसित है। इस देश की संस्कृति भी बहुत विविध है और भौगोलिक विविधता के मामले में भी इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक माना जाता है। तो फिर दोस्तों, चलिए साउथ अफ्रीका देश के बारे में और भी कुछ मज़ेदार और ज़रूरी जानकारी जान लेते हैं। साउथ अफ्रीका में सबसे पहले बसने वालों को सैन के नाम से जाना जाता है। 1910 में यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका को बनाया गया था। तब से सिर्फ गोरों को ही वोट देने का अधिकार था यहाँ। बाद में 1994 में देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति चुने गए नेल्सन मंडेला, और उसी साल ही उन्होंने आधिकारिक तौर पर नस्लवाद को मना कर दिया। साउथ अफ्रीका की पार्लियामेंट 2 सदनीय है। उच्च सदन का नाम नेशनल काउंसिल ऑफ प्रोविंसेस है और निम्न सदन है नेशनल असेंबली। 12,21,037 वर्ग किलोमीटर का ये देश आकार के मामले में दुनिया का 24वां सबसे बड़ा देश है। इस देश में 11 ऑफिशियल भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। हालांकि देश में अफ्रीकन अंग्रेजी और अफ्रीकन्स भाषा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। साउथ अफ्रीका की है 3 राजधानी शहर। तीनों में से सबसे बड़ा केप टाउन कानूनी राजधानी है, प्रिटोरिया प्रशासनिक और ब्लोएमफोंटेन न्यायिक राजधानी है। इन तीनों शहरों से ही मूल रूप से देश की सभी प्रशासनिक कामों को चलाया जाता है। लेकिन देश का सबसे बड़ा शहर है जोहानिसबर्ग, और ये दुनिया के 50 सबसे बड़े शहरी इलाकों में से एक है। ये शहर साउथ अफ्रीका का आर्थिक केंद्र है। जनसंख्या के मामले में भी ये देश का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। इसके अलावा डर्बन और पोर्ट एलिजाबेथ कुछ प्रमुख शहर है। हालांकि इनमें से भौगोलिक विविधता के मामले में केप टाउन को दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक माना जाता है। यह केप पॉइंट, टेबल पर्वत समेत कई देखने लायक जगह है। इसके अलावा देश के कई खास बंदरगाह यह स्थित है। साउथ अफ्रीका के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है ये जगह। साउथ अफ्रीका की 2 मुख्य नदियां हैं लिम्पोपो और ऑरेंज नदी। साउथ अफ्रीका में आमतौर पर समशीतोष्ण जलवायु होती है, लेकिन कुछ इलाकों में सर्दियों में तापमान -2 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इस देश में कम संख्या में कुछ वन्य जीव पाए जाते हैं। साउथ अफ्रीका एक धर्मनिरपेक्ष देश है, फिर भी यहाँ ज़्यादातर लोग ईसाई हैं। हालांकि देश में बहुत कम संख्या में मुस्लिम, हिंदू और कुछ स्थानीय धर्म मौजूद है। साउथ अफ्रीका की संस्कृति की विविधता के वजह से उन्हें इंद्रधनुष जाति भी कहा जाता है। कुछ देशों में रेगिस्तान है और कुछ देशों में जंगल है, लेकिन साउथ अफ्रीका में रेगिस्तान, जंगल, आर्द्र भूमि, घास के मैदान, खड़ी पहाड़ियाँ सब कुछ है। इतना विविध है ये देश। लेसोथो नामक एक स्वतंत्र देश पूरी तरह से साउथ अफ्रीका के अंदर है। अफ्रीका के दूसरे देशों के मुकाबले ये देश बहुत ज़्यादा विकसित है। हालांकि देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और आय असमानता लगभग ब्राज़ील के बराबर है। दुनिया में सबसे ज़्यादा HIV संक्रमित है इस देश में। केप टाउन में टेबल माउंटेन को दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में से एक माना जाता है, और ये दुनिया के 12 मुख्य ऊर्जा केंद्रों में से एक है, जो चौंबकीय विद्युत या आध्यात्मिक ऊर्जा का विकिरण करता है।
साउथ अफ्रीका दुनिया का एकमात्र देश है जहां पे फुटबॉल, क्रिकेट और रग्बी वर्ल्ड कप की मेजबानी हुआ है। इस देश में शिक्षा की दर है लगभग 95%। साउथ अफ्रीका की रोप्स रेल को दुनिया की सबसे लग्जरी ट्रेन मानी जाती है। साउथ अफ्रीका इस महाद्वीप का सबसे बड़ा ईंधन उत्पादक और उपयोगकर्ता देश है। पर्यटन के लिए ये देश बहुत प्रसिद्ध है और राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पर्यटन क्षेत्र से आता है। मानव विकास सूची में साउथ अफ्रीका दुनिया में 114वें स्थान पर है। साउथ अफ्रीका की सरकारी मुद्रा है साउथ अफ्रीकन रैंड या जार। एक साउथ अफ्रीकन रैंड समान 5.19 इंडियन रुपी। इस देश की कुल जीडीपी है लगभग 317 बिलियन अमेरिकन डॉलर और प्रति व्यक्ति आय है लगभग 5,236 अमेरिकन डॉलर। साउथ अफ्रीका का डायलिंग कोड है +27। तो दोस्तों, ये थी साउथ अफ्रीका के बारे में आप लोगों को बताने जैसे कुछ जानकारी। इस तरह की वीडियो नियमित पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।